फॉरेन मिनिस्टर लेवर ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले पार्टनर्स स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है फिर जब जूते पड़ते हैं या दबाव आता है अंदरूनी या बैरूनी फिर हम लेट जाते हैं लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेस अगर कोई ये चाहता है या कोई समझता है कि भारत पे दबाव डाल देगा और भारत झुक जाएगा तो ऐसा होने नहीं वाला है ईरान के साथ हमारे ताल्लुका क्या है हमारा मुसलमान मुल्क है अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या तलुकात है बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है नलायक तो है ही है लेकिन हम सबक भी नहीं सीखते बेसिकली रूस ये कहना चाह रहा है इंडायरेक्टली इंडिया को की थैंक यू हमारे चलते आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ नेटो के साथ खास तौर से अमेरिका के साथ आपने बहुत बड़ा दंगा ले लिया यारी दोस्ती निभाने के तो अगवानी सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहां पे बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामला में इंटरफेयर करें अमेरिका वांट्स कंट्रीज लाइक पाकिस्तान उसको छोटे छोटे पाकिस्तान चाहिए जिनको एक बोटी और एक रोटी फेंको तो वहां के आर्मी चीफ से लेकर प्रधानमंत्री सब दो हिलाते आगे पीछे बाप बाप अबू अबू करके घूमते अच्छा इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता कल्चरली हम लोग बहुत अलग हैं जब से मोदी जी गए हैं रूस दोस्तों रूस के जो सुर हैं वो काफी बदल गए हैं रूस हर समय भारत के खेमे में था या भारत की साइड में था भारत के पक्ष में बात करता था लेकिन जिस लहजे में अब रूस बात कर रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान का फर्क है अब मैं आपको बयान बताता हूं कि वहां पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सरगेई लेवरोव उन्होंने क्या क्या बोला है उन्होंने यह बोला है कि जो भारत और रूस का एनर्जी कोऑपरेशन है ना उसमें इंडिया इज फेसिंग इनॉर्मस एंड अनजस्टिफाइड प्रेशर नॉर्मस बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा और अनजस्टिफाइड जिसका औचित्य नहीं है उस लेवल का प्रेशर भारत फेस कर रहा है भारत और रूस की दोस्ती की वजह से क्योंकि इस दोस्ती के चलते ऐसा ऐसा रह, कहते हैं ऐसा मामला कुछ और है मैं आपको मामला आगे समझाऊंगा लेकिन आ, उन्होंने यह बोला है कि जो एनर्जी है यानी कि जो तेल भारत खरीद रहा है रूस से जो कोयला आना शुरू हुआ है कॉरिडोर से जो आ, और चीजों की बात कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड उसके चलते बेसिकली रूस ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली इंडिया को कि थैंक यू हमारे चलते आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ नेटो के साथ खास तौर से अमेरिका के साथ आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया यारी दोस्ती निभाने के लिए भारत ने ऐसा करा क्यों आखिर कारण क्या है कि रूस के चलते भारत ने वेस्ट को आंखें दिखा दी यह हल्का फुल्का समय मैंने एक और वीडियो में दो तीन दिन पहले टचअप ऑन करा था कि यार भारत ने स्टैंड ले लिया वेस्ट के खिलाफ अब वेस्ट चाहे तो भारत को अच्छे रेट पे कहीं और से भी तेल दिलवा सकता है जो तीन मुख्य कारण हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा पहले मैं आपको बता दूं कि रूस ने यानी कि सरगई लेवरोव ने रूस के बिहाफ पे क्या क्या और स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने बोला भारत एक महान शक्ति है या महाशक्ति है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को खुद सेट करती है खुद डिटरमिन करती है और अपने पार्टनर खुद चूज करती है यानी कि कि कहने की बात यह है कि आप भारत को फालतू में प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। किसके साथ दोस्ती करनी है किसके साथ बिजनेस करना है किसके साथ खरीद फरोख करनी है अगर कोई यह चाहता है या कोई समझता है कि भारत पे दबाव डाल देगा और भारत झुक जाएगा तो ऐसा होने नहीं वाला है यह ऐसा सरगई लेवरऑफ का कहना है न uh, ये कह रहे हैं कि ये भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों ऐसा है कि मोदी जी गए रशिया मोदी जी रशिया क्यों गए इसके पीछे ये बिल्कुल जैसे शतरंज होता है ना ये शतरंज वाला मैटर है ये वो वाला मामला नहीं है जैसे आपका हमारा होता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ये वाला मैटर नहीं है हाँ उसमें से फाइव टेन परसेंट हो सकता है नाइनटी परसेंट इट इज रियल पॉलिटिक ये बड़ी दुनियादारी की चीजें हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं भारत का एक जो मूल मंत्र है जिसको के अमेरिकन भी बहुत परेशान हैं और एरिक गारसेटी जो एम्बेसडर है यूएस का दिल्ली में उसने भी इस पे कमेंट करा था एक तंज कसा था वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भारत ये कहता है कि हम वही करेंगे जो हमें भारत के लिए ठीक लगता है चाहे उससे अमेरिका नाराज हो चाहे उससे चीन नाराज हो चाहे उससे यूरोप नाराज हो भारत वही करता है जो भारत को ठीक लगता है और अमेरिका इस बात को समझ नहीं पा रहा वेस्ट इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कुछ समय पहले तो गरीब देश था कुछ समय पहले हम लोग यहां से एड बेचते थे कुछ समय पहले यहां पे लोग भूख से मरते थे कुछ समय पहले यहां पे इतने बुरे हाल थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम पे तिजोरी खाली थी तो लोग भूले नहीं है वो दिन जब भारत का सारा सोना बाहर गिरवी रखा हुआ था और हम लोग कहते थे यार प्लीज हमारे पास सोना रखा है सोना ले लो हमें कुछ पैसे दे दो हमें तनख्वाहें देनी है मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों इनको यह समझ में नहीं आता कि इस देश को हुआ क्या जब से लिबरलाइजेशन हुआ इस देश ने तरक्की करनी शुरू करी और वो तरक्की की रफ्तार इतनी तेज हो गई इतनी तेज हो गई टचवुड वेस्ट को समझ में नहीं आ रहा वेस्ट को ऐसा लग रहा है कि तरक्की के साथ भारत के तेवर भी बदले हैं लेकिन दोस्तों सच नहीं है भारत के तेवर ऐसे ही थे वन से बोलने का लहजा थोड़ा सा अलग था अब अलग है लेकिन तेवर वही थे क्योंकि भारतवासियों की पुरानी आदत है यह हाथ फैलाना हमारे खून में नहीं है पेट पे पत्थर बांध के सो जाते हैं यहां पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे यह हाथ फैलाने का सिस्टम है नहीं एक आध बार आईएमएफ से लोन लिया फिर लोन वोन दफा करा पैसे वापस करे खुद पैर पे खड़े हुए खुद भागना शुरू करा एक कैरेक्टर है लोगों का ठीक है अनलाइक सम ऑफ आर नेबर्स जो कि चौबीसवीं बार आईएमएफ के सामने अपना कटोरा डाल रहे हैं तो फर्क है अब देखिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की उन्होंने ये बोला कि यार मोदी जी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर हैं वो एक ब्लडी क्रिमिनल उसने उसने व्लाडिमिर पुटिन को बोला ब्लडी क्रिमिनल और बोला कि वर्ल्ड के सबसे घिरौने बुरे क्रिमिनल से मोदी जी गले मिल रहे हैं ये बहुत गलत चीज है तो फिर आ, आ, ये कह रहे हैं कि इसमें यूक्रेनियन एम्बेसडर को बुलाया गया और उसको झाड़ लगी है कि अपने प्रेजिडेंट से बोलो तमीज से बात करें ठीक है अच्छा लेबरॉम ने यह भी बोला है कि भाई सिर्फ भारत ने तेल नहीं खरीदा वेस्ट में भी तेल खरीदा है पूरे यूरोप ने तेल खरीदा है पूरे यूरोप ने गैस खरीदी है लेकिन भारत की तरफ आप पॉइंट क्यों कर रहे हैं आप खुद भी तो खरीद रहे हैं हमसे गैस ये भी उन्होंने बात बोली है अच्छा इसमें दो तीन चीजें हैं दोस्तों कि जो भारतीय रिफाइनर्स हैं जो तेल को रिफाइन करते हैं अब मैं रियल पॉलिटिक्स जो तीन कारण थे देखिए एक तो मैंने बताया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी दूसरा कारण यह है कि साढ़े दस अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर्स इंडिया के रिफाइनर्स ने सेव करे अप्रैल 2022 से लेकर मई 2024 आप लगा लीजिए 24 महीने में साढ़े दस अरब डॉलर इन्होंने सेव करे कि हमारा तो बुनियाद ही झूठ पे फेक फाउंडेशंस में वो है आपके नमक